इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। मुसलमान जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, जिसे भारत समेत पूरे विश्व में कई धर्मों के अरबों लोग पढ़ते हैं तथा समझते भी हैं, जब उसी पवित्र ग्रंथ कुरान का अपमान किया गया तो सारे मुस्लिम समाज का खून खौल उठा। आपको बता दें कि लखनऊ के शहादतगंज के सैयद वसीम रिजवी, जो कि उत्तर प्रदेश सियासत बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, इनके द्वारा अक्सर ही मुस्लिम समाज व इस्लाम धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं गलत बयानबाजी की जाती है, जिससे कि हमेशा ही माहौल खराब होने का खतरा बना रहता है। इस बार फिर वसीम रिजवी द्वारा मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ का अपमान किया गया है तथा घृणा और धार्मिक वैमनस्य फैलाने की नीयत से इसकी आयतों को हिंसा से जोड़कर आपत्तिजनक तहरीर व बयान दिया गया है, जिससे इस्लाम को मानने वाले करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और आजमगढ़ समेत देश भर के करोड़ों मुसलमान आहत तो हुए ही हैं, साथ ही देश के हर शांतिप्रिय व सद्भावना में विश्वास रखने वाले नागरिकों को भी कष्ट हुआ है। ये साफ तौर पर वसीम रिजवी द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर और विद्वेषपूर्ण आशय से किया गया कृत्य है और सामाजिक उन्माद फैलाकर शांति भंग करने का विमर्शित प्रयास है, क्योंकि कुरान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी संबंध में आज आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांग की गई कि वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। ये वसीम रिजवी जो कुरान की आयत समाप्त करने की बात कर रहे हैं, इससे देखिए एक धार्मिक उन्माद बढ़ता है। जो है आज वसीम रिजवी कुरान की आयत समाप्त करने की बात करें, कल कोई उठे तो गीता का श्लोक खत्म करने की बात करे, कोई और उठे तो बाइबिल के कुछ चीज को खत्म करने की बात करे, तो ये हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है जहाँ के हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। अगर किसी धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाया जाता है, ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी चीज़ को लेकर के हम कप्तान साहब को ज्ञापन दिए हैं कि वसीम रिजवी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर FIR दर्ज की। वसीम रिजवी द्वारा जो इस तरह की आपत्तिजनक बयान दी गई है, उस पे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का ये मांग है कि न तो इस कोर्ट इस बात की इजाज़त देती है, न ही संविधान की कोई धारा इस बात की इजाज़त देती है कि वो किसी धार्मिक ग्रंथ पे हस्तक्षेप करें। उनके खिलाफ 153(1) के उसमें मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के सलाखों में डाला जाए। इसके पहले भी उन्होंने इस तरह का बार बार वो इस तरह की किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए और इस देश में अमन और शांति को खराब करने के लिए बार बार इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं, उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होता है तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन करेगी और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो वो दाखिल किए हैं उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करे और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। CIBN इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।